हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ लेडीज सॉक्स, जिसे बनाने के लिए मैं 2 कलर की वूल ली है और इसको मैंने 6 और 7 नंबर के लिए बनाया है। बड़ा छोटा कैसे करना है ये मैंने वीडियो में आगे बता दिया है, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें 14 फंदे डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 14। तो देखिए, यहाँ से फर्स्ट रो हम इसकी सीधा बुनेंगे, इधर से ऐसे। इसको दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है। ये देखिए, लास्ट तक मैंने बना लिया। पलट लेंगे, दूसरी रो भी इधर से सीधा बुन देंगे। एक फंदा उतार लिया ये और बुल को ऐसे किया, देखिए इस तरह से। ये देखिए, आप देखिए यहाँ से मैं डिजाइन डालना स्टार्ट करूंगी। तो देखिए, एक फंदा उतार लिया, अब यहाँ पे मैं 6 फंदे सीधे बुनूंगी। 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बनाने के बाद बुल को अपने तरफ करूंगी और देखिए यहाँ पे जाली डालूंगी। एक फंदा बाद में ऐसे बुन लूंगी, तो 2 फंदे सीधे हो गए, यहाँ पे मैंने जाली डाल दी। आप देखिए, वापस बुल अपने तरफ, यहाँ पे ये 6 फंदे सीधे ऐसे। 1 2 3 4 5 6, सलाई को पलट लेंगे, एक फंदा उतार लिया और बुल को इधर किया। आप देखिए यहाँ से 1 2, ये उतार लिया तो ये 3 हो गए, 4 5 6, 6 फंदे सीधे उल्टे तरफ से देखिए। और अब यहाँ पे बुल हम अपने तरफ करेंगे, जो जाली वाला फंदा है ये देखिए, और एक इधर है, तो यहाँ पे मैं 4 फंदे उल्टे बुनूंगी। 1 2 3 4, अब देखिए बुल को इधर करूंगी और ये 6 फंदे सीधे इस तरह से। ये देखिए, सलाई को फिर से पलट लेंगे, एक फंदा उतार लिया, बुल को ऐसे किया इधर। अब यहां से 2 3 4 5 6, 6 फंदे फिर से सीधे बुने। आप देखिए यहाँ पे इस तरह से जाली जाली वाला फंदा जो है इधर ऐड होगा, तो यहां से हमने बुल को इधर किया और ऐसे सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4, ये देखिए, पहले मैंने यहाँ पे 2 फंदे रखे थे, अब 4 फंदे हो गए। बुल को अपने तरफ करेंगे और ये वाले 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6, आप देखिए सलाई को पलट लेंगे, एक फंदा उतारेंगे और बुल को ऐसे, ये देखिए 2 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे उल्टी तरफ से। अब बुल को अपने तरफ, जाली वाला फंदा देखिए उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6, अब देखिए सेंटर में 6 फंदे हो गए। बुल को इधर करेंगे और ये वाले 6 फंदे सीधे बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे ऐसे। ये देखिए, सलाई को पलट लेंगे, एक फंदा उतार लिया, बुल को पीछे किया और देखिए 2 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे बुल को अपने तरफ। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे सेंटर में सीधे देखिए इस तरह से। बुल को इधर करेंगे और ये वाले 6 फंदे ऐसे। 1 2 3
चार पांच छह, ये देखिए इस तरह से। आप देखिए उल्टी रो में एक फंदा उतारूंगी, वूल को पीछे किया, एक दो तीन चार पांच, और देखिए एक ही उतार लिया तो उल्टे तरफ से भी छह फंदे सीधे बना दिए वूल अपने तरफ। यहाँ पे देखिए जाली वाला फंदा ऐसे उल्टा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये देखिए आठ फंदे हो गए हमारे पास सेंटर में। वूल को पीछे किया और देखिए एक दो तीन चार पांच छह, छह फंदे सीधे। अब देखिए सीधे तरफ आ गए, सिलाई पलट ली मैंने, यहाँ से एक फंदा उतार लिया, वूल को वापस इधर किया और देखिए यहाँ से दो तीन चार पांच छह, छह फंदे सीधे। आप देखिए वूल को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ फंदे सीधे वूल को अपने तरफ। इन फंदों को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। आप देखिए यहां से, ये देखिए उल्टी रो में यहां से ऐसे एक फंदा उतारा, वूल को इधर किया, ये देखिए छह फंदे सीधे। ये देखिए छह सीधे बनाने के बाद वूल अपने तरफ। अब देखिए ये वाले फंदे जो हैं उल्टे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये देखिए दस फंदे हमारे पास हो गए। वूल को इधर किया और ये वाले फंदे सीधे। ये देखिए अब सीधे तरफ, तो यहां से देखिए एक फंदा उतारा मैंने, वूल को इधर किया, छह फंदे सीधे, दो तीन चार पांच छह, छह सीधे बनाने के बाद वूल अपने तरफ। यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये देखिए वूल को इधर करेंगे और ये छह फंदे सीधे। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये यहाँ पे डिजाइन आएगी। अब देखिए यहां से एक फंदा उतारूंगी और देखिए वूल को इधर किया, ये छह फंदे सीधे। वूल को अपने तरफ, यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये देखिए सेंटर में हमारे पास बारह फंदे हो गए। वूल को इधर किया, छह फंदे सीधे ऐसे, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पांच जाली डल गई हैं, एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पे दस फंदे दोनों तरफ से बढ़ गए हैं। दो हमारे पास थे जहां से मैंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे ये बारह फंदे हो गए। अब मैंने ये कलर ऐड कर लिया और देखिए यहाँ पे रो में देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच छह, छह रो हो गई हैं। अब देखिए यहाँ से हम इस वाले कलर से, ये देखिए एक दो तीन, इस धागे को हम ऐसे करते हुए ले जाएंगे, चार पांच, और देखिए इसको ऐसे कर लेंगे, छह, छह फंदे मैंने इस कलर से बुन लिए। आप देखिए यहाँ पे जाली नहीं डलेगी, जब हमारे पास ये 12 फंदे हो जाएंगे तो सेंटर में जाली इन दो फंदों पे पड़ेगी। तो देखिए ये वाले फंदे जो हैं इनको हम इस वाले कलर से बनाएंगे, येलो कलर से, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे मैंने सीधे बुने और वूल को अपने तरफ किया, यहाँ पे दो फंदों पे मैं जाली डाली ऐसे,
एक फंदा और बुनूंगी, उसके बाद देखिए इधर भी हमारे पास 5 फंदे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे मैं अलग से बुल जोड़ूंगी, छोटा सा गोला बना रखा है मैंने, ये देखिए इस तरह से इसी धागे में जोड़ रही हूँ मैं। ये देखिए और इन फंदों को मैं सीधा बुनूंगी ऐसे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे आ गई। अब देखिए यहां से ये वाले फंदे, एक फंदा उतार के बुल को इधर करेंगे और देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे सीधे। अब देखिए इस वाली बुल को हम इधर करेंगे ऐसे और इसको हम ऐसे करेंगे, क्रॉस करा दिया देखिए इस तरह से, और देखिए इन फंदों को ऐसे बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये देखिए जाली वाला फंदा भी सीधा, 7, 8, 9 ये सारे फंदे ऐसे ही बुन लेंगे जो सेंटर में है हमारे पास, ये देखिए उल्टे ऐसे। अब देखिए हम इसको ऐसे कराएंगे और इससे बुनेंगे, इधर की बुल मैंने ये देखिए यहीं पे छोड़ दी। अब ये 6 फंदे सीधे 2, 3, 4, 5, 6 ये देखिए इस तरह से। आप देखिए यहां से एक फंदा उतारूंगी, बुल को इधर करूंगी ऐसे, ये 6 फंदे सीधे। आप देखिए यहां से हम इसको ऐसे करेंगे इसके ऊपर से, और देखिए यहां से इस कलर से बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे सीधे बनाने के बाद ये देखिए यहां से ऐसे धागा किया और यहां से देखिए 1, 2, 3, 4 ये देखिए इस तरह से, यहां से दूसरी डिजाइन ये ऐसे आ जाएगी, ये देखिए यहां से बुल को अपने तरफ ये वाले फंदे सीधे। अब हम इसको ऐसे कराएंगे और देखिए इससे बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से। आप देखिए इसी तरीके से मैं इसकी लंबाई पूरी करती हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह की 3 डिजाइन डालूंगी। तो ये दूसरी डल गई है, अब उसके बाद जब ये यहाँ पे 5 जालियां हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे हो गए थे 12 फंदे, तो 12 फंदे हो जाएंगे, फिर ये वाले इस कलर से हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बना के कम्प्लीट कर लिया और देखिए 3 डिजाइन ये डल गई है, 1, 2, 3 अब देखिए यहाँ से हम येलो कलर से सारे फंदे बुनेंगे। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा इधर से ही ऐसे लूज करके लाएंगे ताकि ये यहाँ पे खिंचा खिंचा ना रहे। ये देखिए ये बना लिया, उसके बाद देखिए 2, 3 फंदे बनाने के बाद देखिए इसको और यहाँ से ऐसे ताकि ये उलझे नहीं, ऐसे बनाएंगे ये देखिए, फिर 1, 2, 3 3 बनाने के बाद चौथे फंदे के साथ इस धागे को भी हम ऐसे बना देंगे, ये देखिए ऐसे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे। आप देखिए यहाँ से ये वाले सभी फंदे लास्ट तक मैं इसी कलर से बुनूंगी। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, इधर से भी इसको सीधा बुन दूंगी। तो एक रो पूरा इधर से ये वाली कंप्लीट करूंगी, एक उल्टे तरफ से सीधी बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 रो बना ली हैं। अब देखिए यहाँ से एक फंदा उतारूंगी, बुल को इधर करूंगी
और देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। यहाँ पे देखिए 20 फंदे मैंने बुने और देखिए एक यहाँ से और एक ये वाला दो का एक करूंगी मैं, थोड़ा सा इन्हें लूज करूंगी पहले। ये देखिए इस तरह से दो का एक किया, आप देखिए एक यहाँ पे दो का एक करेंगे और एक यहाँ पे एक जाली वाला फंदा और एक इसके साथ, बाकी इधर के फंदे ऐसे ही बुनूंगी। यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये देखिए 10 फंदे मैंने ये सेंटर में रखे। अब देखिए एक ये और एक इस फंदे के साथ ऐसे, ये देखिए दो का एक कर दिया। उसके बाद इन फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे सीधा और उल्टे तरफ से इसको सीधा बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। आप देखिए उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैंने 19 फंदे बुने, पिछली रो में 20 बुने थे अब 19 बुने। अब देखिए इन दो फंदों का एक करूंगी, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये देखिए 9 फंदे यहाँ पे 10 बुने और 11वें फंदे के साथ जो है यहाँ पे देखिए ऐसे इधर से दो का एक। अब देखिए मैं इधर को नहीं जाऊंगी और ना ही मैं ये वाले फंदे जो हैं 19 उनको बुनूंगी, यहीं से पलट लूंगी ये देखिए और यहाँ से इधर करूंगी। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ये दो का एक कर दिया और यहीं से इसे पलट लिया, ये देखिए ऐसे इसको उतार लेंगे ऐसे। अब देखिए आपको इस तरह से पता चल जाएगा, गिनने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये वाला फंदा और इसके साथ ये वाला फंदा दो का एक कर देंगे, ये देखिए ऐसे। अब यहीं से पलट लिया, भूल को इधर किया, यहां से ऐसे सीधा बुनेंगे। ये देखिए इधर भी पता चल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से चाहे तो कर लीजिए या फिर सीधे रोपे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कर दिया मैंने, अब देखिए इसको हम उतार लेंगे ऐसे, उसके बाद ऐसे इस तरीके से। अब देखिए इसी तरह से मैं ये सारे फंदे ऐसे ही एक एक दोनों तरफ से लेते हुए कर दूंगी। जब ये सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने बना के कंप्लीट कर लिया और देखिए ऐसे आ जाएगा ये देखिए इस तरह से। आप देखिए मैं यहाँ से फंदे उठाऊंगी तो देखिए इस तरह से करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसी धागे को ऐसे यहाँ पे लूज करके लाऊंगी, आप कट करके भी इसको यहाँ से ज्वाइंट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम हर रो में से देखिए इस तरह से ऐसे, और इस धागे को हम इसी में ऐसे कर लेंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से फंदे उठाते जाएंगे, हर एक रो में से एक एक फंदा उठाना है।
ये देखिए ऐसे मैंने फंदे उठा लिए। अब इन फंदों को हम इसी में बुन लेंगे सीधा। ये देखिए ये देखिए यहां तक मैंने बना लिए। अब देखिए यहां से हम इसमें भी फंदे इधर उठाएंगे ऐसे। ये देखिए देखिए पूरा मैं यहाँ तक उठा लेती हूँ। आप चाहें तो चार सलाई भी इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने फंदे उठा लिए पूरे में। और देखिए 22 फंदे मैंने इधर उठाए, 22 इधर, 12 फंदे सेंटर में हैं जो। अब देखिए यहाँ से पूरी रो सीधी बुनूंगी। इस तरह से तो मैं बना लेती हूँ ये रो। ये देखिए इधर की रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब देखिए इधर से भी हम इसे सीधा ही बुनेंगे। देखिए ऐसे। तो देखिए एक रो ये और एक हम जब हम यहाँ से आएंगे तो इधर से सीधी बना देंगे। तो यहाँ पे दो रो में बना लेती हूँ, दो गांठ स्टिच इधर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से दो गांठ स्टिच आ गई हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 18 रो बना के कंप्लीट करूंगी। दो बन गई हैं हमारे पास। और देखिए इसको मैं बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। सिंपल इसको बुनना है दोनों तरफ से। ये देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। आप देखिए यहाँ से 18 रो बनाई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ से आप बड़ी और छोटी दोनों कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी चाहिए तो आप इस तरह की ये दो रो और बढ़ा लीजिए, यानी कि 4 रो, दो इधर से और दो उधर से, तो दो गांठ स्टिच और बढ़ जाएंगे। छोटी चाहिए तो इस तरह से आप ये 4 रो कम कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हम सभी फंदे बंद कर देंगे दो का एक करते हुए ऐसे। तो मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए इसको उल्टे तरफ ऐसे यहाँ से हम पलट लेंगे। और देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सिल के कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ तक पूरा लास्ट तक इसको सिल देंगे। यहाँ पे ऐसे पक्का कर देंगे, एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया। और देखिए इस तरह से ये यहाँ पे आई है। आप देखिए यहाँ से हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे मैंने एक नॉट लगा ली। अब देखिए यहाँ पे सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऐसे। यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे और देखिए इसी जगह से ऐसे। अब देखिए एक दो, एक को छोड़ देंगे दूसरे में ऐसे। ये देखिए एक दो तीन। अब देखिए इसके जो मैंने यहां से किया इसके पीछे से ऐसे। ये देखिए उसके बाद देखिए एक को ये वाले को छोड़ देंगे यहां से। एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ से ऐसे। ये देखिए इस तरह से पूरे में मैं कंगूरा बना के कंप्लीट करूँ।
ये देखिए इस तरह से बॉर्डर बना लिया। अब देखिए मैं कुछ मोती लगाऊंगी इसमें, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे इसको पहले मैं टक कर लूंगी इस जगह। ऐसे देखिए यहाँ से देखिए इस जगह पे निकाल लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे ये देखिए और एक देखिए इसके जो ये डिजाइन है इसके सेंटर में ऐसे। ये देखिए इस तरह से आप खींच के देख लीजिए कहीं ये धागा टाइट तो नहीं हो गया। अब यहाँ पे हम इसको पक्का कर देंगे अंदर डाल के। ये देखिए इस तरह से मैंने बना के कंप्लीट कर ली है और देखिए 6 और 7 नंबर दोनों को इजीली आ जाएगी और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है देखिए।